अगली खबर मुंगेली से आ रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों की लाठी डंडों से पीट पीट कर साथ ही ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि भाइयों पिता और भाइयों की पत्नियां और रिश्तेदार भी शामिल थे। दरअसल पूरा मामला फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बुधवारा का है, जहां आपसी रंजिश के चलते सभी भाई दो गुटों में बंट गए थे। दूसरे गुट के दो भाई खेत में काम करने गए थे। जब वे काम निपटा कर घर से लौट रहे थे, तभी योजनाबद्ध तरीके से अपराधियों ने अपने भाइयों को आता देख लाठी डंडों से दोनों भाइयों पर हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और उसे इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। उसके 6 बच्चे हैं, उनके बीच जमीन विवाद लेकर काफी विवाद था। जमीन बंटवारे को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कल इसमें दो पक्ष में बटे हुए थे सभी लड़के। इसमें खेत से काम करके भागबली, वकील और कौशल ये वापस लौट रहे थे, तो एक माखन पाटले जो आरोपी पक्ष का है उसके घर में पाटले, उसकी पत्नी, माखन की पत्नी, ये सभी वहाँ पर पहले से लाठी डंडा लेके हत्या करने की नीयत से छिपे हुए थे। तो जैसे ही भागबली और वकील और कौशल वहाँ पर पहुँचे, लाठी डंडा से उस पर ताबड़तोड़ हमला किए सभी मिलकर, जिससे मौके पे ही ये लोग घायल हो गए। उसी दौरान केजू पाटले ने एक ट्रैक्टर को चालू करके इसमें भागबली के ऊपर और वकील पाटले के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया बार बार, जिससे मौके पे ही भागबली की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल फास्टरपुर और कोतवाली की पुलिस साथ में SDOP और मैं स्वयं वहाँ पर मौके पे पहुँचे। फिर मौके से घायल को तत्काल अस्पताल भेजवाया गया, साथ ही कौशल जो घायल था किसी तरह वो बचा, उसको भी बचाया गया और तुरंत उसमें वकील की पत्नी को भी बचाया गया, उसे अस्पताल भेजा गया। साथ ही घेराबंदी कर तत्काल मौके से